नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरविंदर सिंह, सीएमडी एंड सीईओ अर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं संस्कृति मंत्रालय को और बिग एफएम को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जल यात्रा। तो अभी हम देखें कि हम जीवन यात्राएं पढ़ते हैं लोगों की, और वो जीवन यात्राएं कुछ वर्षों की होती हैं। किसी की उम्र 70 साल है, 80 साल है, किसी की उम्र 50-60 साल की है, तो हम उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो उनकी जीवन यात्रा होती है और उससे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब हम जल यात्रा की बात करते हैं तो सोचिए उसके अंदर सीखने के लिए कितना है, कितनी विशाल उसकी संस्कृति है, कितना विशाल उसका जीवन है। एटर्निटी से कहते हैं ना, रहमन पानी राखी और बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो जल ही जीवन है, और जल जो है नदियों के फॉर्मेट में हमको मिलता है, जो जल शुद्धतम है। अगर हम 5 तत्व भी बात करें तो 5 तत्वों में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जल। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं, और जल का जो प्राइमरी सोर्स है वो है नदी। और आजकल का जो समय है, जो नदी की जो एक हिस्ट्री है, जो एक उसका एक गाथा है, जैसे कि हम गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं कैसे भागीरथ ने उनको अपने अंदर लिया। जब हम उस पर अपने किसी नियर एंड डियर की अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं तो हमें लगता है कि गंगा का किसी तरह से उस पर टच आ जाए। तो इस तरह से हर एक नदी एक की एक कहानी है। हर एक नदी को हमने किसी ना किसी देवती, किसी ना किसी देवी देवता से हमने उसको लिंक किया हुआ है। तो नदियां जो देवी हैं उनके लिए जो संस्कृति की धरोहर है संभालना बहुत जरूरी है। और मैं लखनऊ में रहा हुआ हूँ पहले, और लखनऊ में गोमती नदी बहती है, और हमारा घर भी गोमती नगर के बिल्कुल पास ही हुआ करता था। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, नौका विहार होते थे और हम लोग खूब उस नदी के अंदर जाते थे। नदियां थोड़ी सी गंदी होती थी, आजकल तो खैर काफी स्वच्छता पे काम हो रहा है। और संस्कृति जो हर एक नदी की है, क्योंकि उस नदी के किनारे मेले लगते थे, उस नदी के किनारे बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। अभी जैसे मैं लद्दाख जाकर आया तो वहां पर इंदस नदी बहती है, तो इंदस नदी के अंदर वहां पर आप बैठिए ना, वो जो कलकल कलकल नदी की आती है, तो किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। वो पहाड़ और नदी की कलकल, और आप बैठ जाइए 2 मिनट तो बिल्कुल उसके साथ में सिंक हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि हम अपने नदियों की संस्कृति को जानें। और अगर आप कभी उद्गम पे गए हो नदी की, नदी जहाँ से निकलती है वो जल का शुद्धतम रूप है ना, क्योंकि किसी ना किसी। और एक मजे की बात और है, अगर आप देखें कि नदी का सोर्स देखने जाइए, हम कश्मीर गए थे तो नदी हमने कहा साहब यहाँ से ये वाली नदी निकलती है, तो हमने कहा चलो चल के देखते हैं। तो वहां जब देखने गए तो आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि नदी कहाँ से निकल रही है, वो हमेशा रहस्यमय है। बस पहाड़ों के बीच में से कहीं से कुछ आया है और आप उसको देख सकते हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट करें, अपनी संस्कृति को जानें। और जो नदी है वो समृद्धि का प्रतीक है। अगर हम देखें पुराने समय में जिन जिन जगहों से नदियां जाती थीं, वो राज्य पूरी तरह से समर्थ और समृद्ध होते थे। और अभी जो प्रिडिक्शंस हैं कि जो 3rd World War अगर कभी होगी तो वो जल को लेकर होगी, पानी को लेकर होगी। तो हमें अपने पानी को सहेजना है, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने कल्चर को संभालना है। मैं संस्कृति मंत्रालय और बिग एफएम को बहुत बहुत आभार देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल करी।